आपकी अपनी पार्टी पीपल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और इनके हाथ में एक पंपलेट है और इन दिनों दिल्ली की हर विधानसभा में क्षेत्र वाइज नुक्कड़ सभा कर जाति उन्मूलन की मांग को लेकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और लोगों को जागरूक कर जाति उन्मूलन कानून की मांग सरकार से कर रहे हैं। सोमवार को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के क्षेत्र द्वारका विधानसभा के दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन पर आपकी अपनी पार्टी पीपल की टीम द्वारा लोगों को जागरूक किया और जनसंपर्क अभियान चलाया। जाति व्यवस्था समाप्ति होने के फायदे लोगों को बताए और पार्टी का दावा है कि हर रोज लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और CAB को लेकर भी लोग समर्थन कर रहे हैं। CAB यानी कास्ट एबोलिशन बिल, जिससे लोगों ने भी कहा कि जाति समाप्त होनी चाहिए। आपकी अपनी पार्टी पीपल के इस जागरूक अभियान को टोटल पब्लिक के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना लगातार कवर कर रहे हैं। सोमवार को द्वारका विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जब टोटल फैब्रिक के संवाददाता ने उनके मत जानने का प्रयास किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, टोटल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश खन्ना। आपकी अपनी पार्टी पीपल जो है कि इन दिनों दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में जो है जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाए हुए है। दिल्ली में जो है कि तीसरे दिन भी बरसात जो है जारी है और आपकी अपनी पार्टी पीपल का भी जोश जो है कि बहुत हाई है और हर विधानसभा में जो है कि लोगों से उनके विचार जाने जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि भी हम एक जो है कि मांग कर रहे हैं सरकार से कि जातियां जो है कि समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जातीय समाप्ति जो होगी तभी जो है कि आगे जो है कि लोग बढ़ेंगे, क्योंकि जातीय व्यवस्था को लेकर जैसे कि हमने लोगों ने बात करी कह रहे हैं कि भी इससे जो है कि समाज बटा रहता है और जातियां समाप्त होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों ने यही कहा है, हमने भी अलग अलग लोगों से बात करी है इस बारे में। जो हमने अलग अलग लोगों से बात करी तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार भैया, आपकी अपनी पार्टी पीपल जो है एक जाति उन्मूलन कानून की मांग कर रही है देश में, क्या लगता है उनकी मांग जायज है? बिल्कुल जायज है जी। जातियों ने समाज का भला कम नुकसान ज्यादा किया है और ये जातियां होनी नहीं चाहिए। आपस में भाई को भाई से लड़ा रही है और इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, कि जातियाँ होनी नहीं चाहिए। जातियों के नाम पे जो उत्पीड़न हो रहा है, अब जगह बदल जाती है, घटनाएं वही रहती हैं। लोगों के नाम बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, बट डेली ये नए मामले उभरते रहते हैं। तो आपके हिसाब से जो है जातियाँ समाप्त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप जो है आपकी पार्टी जो है कि उनका समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, इस मुद्दे पर मैं पूरा समर्थन की मांग को लेकर बिल्कुल जायज मांग है, पूरा सपोर्ट है। हमारा नाम मिस्टर शंभू दत्ता। सर, ये जो है ना आपकी अपनी पार्टी पीपल जो है कि जाति समाप्ति को लेकर कानून की मांग कर रही है देश के लिए, क्या लगता है मांग इनकी जाए? देखिए, ये तो अपना अपना मुद्दा है, जो जो जैसा भाव में चलता है लोग सोचता है, जैसा जो अच्छा सोचता ही करेगा, ये तो पर्सनल कोई इशू नहीं है। ये तो सब उनके जो अच्छा थोड़ा वही समझेगा, जो समझेगा वही करेगा पार्टी का। तो क्या लगता है जाति समाप्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। तो हमको उसको समर्थन करेगा, जो अच्छा करेगा काम करेगा उसके लिए हम समर्थन करेंगे। शंकर सिंह जी, आपकी अपनी पार्टी पीपल जो है ना एक जाति उन्मूलन कानून की मांग कर रही जी, तो क्या लगता है इनकी मांग जायज है? जायज है। एक मतलब एक ही सारा होना चाहिए, सारा ऑल ओवर इन्हें, कोई जाति ये नहीं किसी को आरक्षण मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सारी एक ही हो जाएगा तो ये प्रथा खत्म हो जाएगी। तो आपके हिसाब से जातियाँ समाप्त होनी चाहिए? समाप्त होनी चाहिए। तो जो है आपकी अपनी पार्टी पीपल जो है कि ये मांग कर रही, जायज मांग है? जायज है। नाम सर? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, ये जो है क्या जातियाँ जो समाप्त होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली आप सुनते रहे, बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। आपकी अपनी पार्टी पीपल जो है ना क्या अभियान चला रही है? जी जी। तो मैंने देखा कि आपको भी समझा रहे थे, तो क्या लगता है कि उनकी जो बात मांग जायज उनकी? हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों लगता है? जातियाँ तो बहुत पुरानी व्यवस्था है। देखिए ऐसे जब तक जाति खत्म नहीं होगी ना तो ये पॉलिटिक्स भी खत्म नहीं होगी। हमारी जो इंडिया की पॉलिटिक्स है ना, दैट इज बेस्ड ऑन कास्ट। इधर जाट है तो उस जाट को टिकट दे दो, उधर यादव है तो यादव को टिकट दे दो, या ये दलित की सीट है तो दलित को टिकट दे दो। तो जब तक हमने अगर भारत को एक लास्ट बनाना है तो जाति भी खत्म करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। मतलब आप जो है आपकी अपनी पार्टी पीपल का समर्थन करते हैं इस मुद्दे पे? हाँ 100% होनी चाहिए। मेरा नाम पंकज कुमार भाटी। ये जो आपकी अपनी पार्टी पीपल अभी आपको समझा रही थी जी सर, ये जातियाँ समाप्त होनी चाहिए, तो क्या लगता है मांग जायज उनकी? सर जायज है। ऐसा क्यों लगता है? क्यों है सर? क्योंकि इसको लेके मुठभेड़ वगैरह, मतलब जातिवाद के लेके झगड़ा वगैरह बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से।
तो आपके हिसाब से जातियाँ समाप्त हो जाएंगी? जी सर, भी समाप्त हो जी सर, जाहिर सी बात है सर। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल की मांग जो है जायज आपकी? जी सर। तो आप इनका समर्थन करते हैं? जी सर, समर्थन करते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र। हाँ वीरेंद्र जी, आपकी अपनी पार्टी ने जाति अभियान चला रही है, मतलब जाति अनुरोधन कानून की मांग को लेकर, तो क्या लगता है मांग उनकी जायज है? हाँ बिल्कुल जायज है, ये आए दिन का लफड़ा खत्म हो जाएगा ना, ये उस जाति से उस जाति से। तो आपके साथ की जातियाँ समाप्त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो मतलब आपकी अपनी पार्टी अभियान चला रही है, वो ठीक चला रही है? बिल्कुल ठीक चला रही है। तो आप उनकी मांग का समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल समर्थन करते हैं। ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि जातियाँ तो काफी पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था कभी ना कभी तो बदलेगी ना। अरे पुरानी चीज़ जब सारी नहीं हो जाती है, जब एक बार सड़क बनती है, जब वो टूट के नहीं हो सकती है, तो सारी चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। ये समय की मांग है, समय की मांग। ये कहती है जाती है समाप्त होनी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोगों ने खेल बना रखा है इस चीज़ पर। आरबी नौटियाल। नौटियाल साहब, ये जो है आपकी अपनी पार्टी पीपल ना जाति अनुरोधन कानून की मांग कर सर, आप आपका बोलना सही है कि जो ये पार्टी बनी है ये एकदम सही है, और जाति के अनुसार पहले लिखे बंदे आगे जाने चाहिए, जिनके क्वालिफिकेशन है वही आगे जाने चाहिए, और जो अनपढ़ किसी भी जाति का है वो आगे नहीं जाना चाहिए। और इसमें जाति बात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एजुकेशन लाइन में जाति बात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों कि जाति बात होगा उसमें पढ़ा लिखा ये वो कुछ नहीं देख रहा, ये गरीब बंदा होगा वो पढ़ा लिखा है लेकिन वो क्वालिफाइड है ना, और वो नहीं उसको नहीं उसको मेरे बोले आरक्षण तो खत्म होना चाहिए, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक ब्राह्मण का बंदा है वो पढ़ा लिखा है लेकिन आप उसको पीछे हटाओ, ये ब्राह्मण है, अरे वो ब्राह्मण है पढ़ा लिखा है लेकिन जाति के हिसाब से हमने समर्थन करते हैं आपकी पार्टी पीपल का। मैं आरक्षण का समर्थन करता हूँ, आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सन्या। आपकी पार्टी पीपल जो है ना जातियाँ समाप्ति को लेकर कानून की मांग कर रही है सरकार से, तो क्या लगता है जातियाँ समाप्त होनी चाहिए? हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है, जाति क्यों समाप्त होनी? सब एक समान हुए तो अच्छा लगता है। तो आप इनकी आपकी अपनी पार्टी पीपल का समर्थन करते हैं? हाँ जी।